हेलो गाइस, सब लोगों को गुड इवनिंग। एवरीबॉडी एंड एवरी पर्सन जो भी क्लास टेंथ के सभी स्टूडेंटों का विजडम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उनका हिंट एंड सॉल्यूशन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम बेस के लिए बेसिक बहुत ज्यादा। सो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना। आज हम बेसिक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम बेस से लेकर हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने अभी तक बताया और आरजीपी के कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन क्वेश्चनों को भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो गाइज, फटाफट जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं भाई, पहले नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर है, देखिए प्रश्न नंबर 6 तक मैंने कल के दिन डिस्कशन किया था और ये जो प्रश्न नंबर आपका 7 है, इस क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे और इसका हैंड एंड सोल्यूशन भी आप लोगों को क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे। देखिए भाई, ये क्वेश्चन है वह एपी निर्धारित के जिसका तीसरा पद कितना हो। भैया तीसरा पद आपका कितना है, 5 और 7वां पद। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ईमानदारी से कह रहा हूँ, बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाने की कोशिश करिएगा और कहीं पे भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेशन बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। गुड दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ना। देखिए चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते। देखिए क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है, तो हमें एपी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए बेसिक हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक छोटा सा लॉजिक है उसको समझिएगा और कहीं पे दिक्कत होती है मुझे जरूर बताइएगा। देखिए अब लॉजिक है क्या, आपका क्वेश्चन है जो दे रखा है हमारे पास, उस क्वेश्चन को समझना है। कह रहा है कि तीसरा पद 5 है, तीसरा पद आप लोगों का 5 है, तो देखिए तीसरा पद क्या दे रखा है, तो मान लेते हैं T3 इज इक्वल टू 5 ले रखा है और इसके बाद जो मेरे पास ले रख रहा है और T5 एंड T7 और 7वां पद कितना है, 9 है, एंड T7 इज इक्वल टू कितना है, 9 है। ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करूंगा तो जो मेरा यहाँ पे बन के रेडी होगा, क्या रेडी होगा भैया, चलिए देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, फटाफट कह रहा हूँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल। अच्छा देखिए भाई, तो भाई इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, जो ये आपका पहला क्वेश्चन था, तो T5 T3 A+2D = 5 पहला ऑप्शन बन जाएगा और जो दूसरा कंडीशन बनेगा ये T7 है, यानी A+ कितना हो जाएगा भैया, A+6D = 9। अब इसको सॉल्व करके, मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके A और D की वैल्यू मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर फाइंड आउट कर लूँगा और जैसे ही मुझे A और D की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी मैं आराम से क्या करूँगा, A पे निकाल लूँगा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने कल के दिन बताया था, उस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा ना गाइस। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमने क्या कर दिया, क्या दो संख्याओं 5, 11, 17, 23 का विपद 301, मान लेते हैं कि अनुपद 301 क्या है, विभाज्य। ओके गाइस, ये भी कल हमने बता दिया था। एक आपके सामने ये जो क्वेश्चन है 9 नंबर का, दो अंकों से कितनी संख्या है, 3 से विभाज्य है, तो दो अंकों की जो बनी संख्या है आप लोगों को क्या कर देना है, बेसिक तौर पे इजी पे पे क्या कर देना है, उनको लिख देना है और लिखने के बाद आप लोगों को क्या कर देना है, देखें मान लेना है कि वह संख्याएं 3 से विभाज्य है और वह संख्याएं हमारी कौन कौन सी हो सकती है, जरिए देख लीजिए। संख्या बहुत ही अच्छी, देखिए जैसे हमारे पास है कोई टर्म्स, ठीक है, कितने अंकों वाली, देखिए जरा क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है दो अंकों वाली। अब भैया दो अंकों की बात हो रही तो दो अंकों का मतलब है हमारे पास, दो अंकों का बेसिक मतलब है क्या, 12, 15 and 99। कल भी इस क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया था, डिस्कशन कर दिया था और कहीं पर दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट सेशन बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ओके गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मेरी समस्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं पे दिक्कत हो मुझे कमेंट सेशन बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। देखिए इसके बाद देखिए आप लोगों का 10वां क्वेश्चन, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 10वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरा एपी में जो मेरे पास 10, 7 और 4 का अंतिम अंत से कौन सा 11वां पद ज्ञात कीजिए, भैया अंत से 9वां पद। कल के दिन मैंने बेसिक फार्मूला बताया था, नहीं भी मालूम है फार्मूला तो देखिए फार्मूला आप लोग समझ लीजिए। फार्मूला है क्या, हमें क्या करना है, अंत से 11वां पद ज्ञात करना है। भाई हम जानते हैं बेसिक तौर पर, आप देख लीजिए अंत से जो 9वें पद का फार्मूला होता है क्या होता है,
अंत से जो एनवा पद का फार्मूला होता है एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू एल, जो हमारा होता है ये अंतिम पद होता है, अंतिम पद। ओके गाइस, एल हमारा क्या हो गया, अंतिम पद हो गया। अब इसके बात करें अगर एन एन हमारा nth टर्म्स हो गया, जो भी हम तो ग्यारहवें बारहवें ये हमारा ग्यारहवा बारहवा कुछ मान लो, कौन से पद की बात हो रही है भाई, ग्यारहवा पद, ग्यारहवें पद की बात हो रही है। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी जो इसका कॉमन अंतर होता है वही हमारा इसका। अब इस फार्मूले में आप रख दीजिए कौन सा फार्मूला है, देखिए फार्मूला देख लीजिएगा, बेसिक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, देखिए ये है, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा वहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, एल माइनस एन माइनस वन इंटू, ये बेसिक आपका क्या हो गया यहाँ पे फार्मूला। ठीक है गाइस, समझ में आ गया, एल का मतलब अंतिम पद, जो इसका अंतिम पद माइनस 62 है, इसको आपको रख देना है, रखने के बाद आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना। ओके गाइस, कहीं पे भी दिक्कत हो मुझे कमेंट सेशन बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्या करा दूंगा, बता दूंगा। देखिए गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैं आपको फटाफट बता दूं भाई, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ जी भाई, देखिए अब कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, समझ लीजिए और पढ़ लीजिए, कह रहा है इस क्वेश्चन को आप लोग जरा पढ़िए, थोड़ा सा क्वेश्चन सही क्या, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1000 की धनराशि 8% वार्षिक सालाना ब्याज की निवेश की जाती है प्रत्येक वर्ष के अंत में, ब्याज प्रकलित कीजिए, क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं, यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज प्रकलित कीजिए, यानी 30 अंश के अंत का हमें क्या करना है, यहाँ पर ब्याज प्रकलित करना है, निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, भाई इस क्वेश्चन को लगाते हैं, समझिएगा, और कहीं पर भी दिक्कत होती है मुझे कमेंट सेशन बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। सारा आप लोगों का जो एग्जाम बेस से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोगों को मैं क्या करा दूंगा भाई, प्रोवाइड करा दूंगा। तो फटाफट जितने भी स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे लाइक करना बिल्कुल ना। देखिए अगले क्वेश्चन पर क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए चलते हैं। देखिए भैया, जो हमारे साधारण ब्याज का होता है, साधारण ब्याज हम जानते हैं पी इंटू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा सौ, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हमारा क्या होता है, एक बेसिक फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बेसिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइस आपको बता दूं, वीडियो अच्छा लगे तो ये आपका, अगर मैं बेटा आपको निकालना चाहूँ जरा गौर से देखिएगा, अगर मैंने पहले वर्ष का निकाला, पहले वर्ष का, तो अगर पहले वर्ष का निकाला तो कितना, मूलधन गुणे दर, ये दर कितना है इसमें, 8%, 8 बटा एक वर्ष का बटा कितना निकल आएगा, 80 निकल आएगा, कितना निकल आया भैया, 80 निकल आया। सिमिलरली यदि मैं सेकंड वर्ष दूसरे वर्ष का निकालूं तो 8 × 2 = 16, यहाँ पे कितना, 2 वर्ष हो जाए, कितना हो जाएगा, 160, यानी 2/2 इतना हो गया। अब जैसे मैंने इतना इसको निकाल लिया इज इक्वल टू 16, और तीसरे वर्ष का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 200, ओके भैया 240, ऐसा मुझे क्या यहाँ पर फाइंड आउट हुआ, मैंने इसको क्या कर लिया, यहाँ से निकाल लिया। ओके गाइस, अब जैसे मैंने इसको यहाँ से निकाल लिया तो अब देखिए करेंगे क्या, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा अब देखिए, अब देखिए मैंने 240 निकाल लिया, क्या निकाल लिया, 60 और 240। अब क्या बचा भाई, 240 मैंने निकाल लिया, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इजी है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को लगाने पर। तो देखिए हमारे पास बना क्या, बना 80, 160 और 240, तो भैया डैड डैश इस तरह बनता हुआ चला जाएगा, इनका जो दो संख्याओं का अंतर है वो कितना भैया, 80, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, अतः जो हमारी सीक्वेंस बनती है एपी में बनेगी, कितने बनेगी, एपी, जब एपी में बनेगी तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, फाइंड आउट कर, कितने वर्ष का, ए 30, ठीक,
कितना ए कितना हो जाएगा 80 प्लस 29 इंटू डी कितना 80। अब जैसे ही मेरे पास इतना आ गया तो अब क्या करेंगे, तो इसको आपको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद जो गुणा इनको कर देना और जोड़ देना 80 को, जितना आएगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। ओके गाइस, समझ में आ गया, कहीं पे दिक्कत हो मुझे कमेंट सेशन बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिए। देखिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भैया अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है कि 12वां नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। लोग एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका है क्या, देखिए चलिए देख लेते हैं। और इसमें बाद और लिखा है, देखिए क्या लिखा है, दूसरी पंक्ति में इसकी तो तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, इत्यादि इसके अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, क्यारी में कुल कितनी पंक्ति है। तो देखिए गौर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, जो हमारे पास पहली पंक्ति है, कौन सा पंक्ति है भैया, पहली पंक्ति है, गौर से देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसमें पहली पंक्ति है उसमें कितने गुलाब के पौधे हैं 23, फिर देखिए जगहता लिख देते हैं, और दूसरी में कितने हैं 21, फिर कितने हैं 19, और लास्ट में कितने हैं 5। तो बताइए इसमें एन कितने पौधे हैं, बताइए भैया। अब मेरे पास पहला टर्म्स दे चुका, डी दे चुका और लास्ट टर्म दे चुका। अब देखिए जैसे ही मेरे पास ये सारी चीजें आ गई, अब मुझे एन की वैल्यू निकालना है, तो भैया हम आराम से फार्मूला जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, तो भैया इसमें आराम से मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर ए एन है 5 और फिर कितना है ए 23, फिर कितना प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना 23 में से 21 में से 23 गए कितना हो गया माइनस का 3, 21 22 23 माइनस का 2। ओके गाइस माइनस का 2 हो गया मेरे पास, अभी इसी क्वेश्चन को मैं क्या कर लूंगा, पिछली वे पे सॉल्व कर लूंगा और किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा एन की, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके गाइस सब लोगों को वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आज के क्वेश्चन यहीं तक, सारे शेष क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कल के दिन प्रोवाइड हो जाएंगे। सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट एवरी पर्सन, गुड नाइट। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।